डीएमके के अध्यक्ष चुने गए हैं एमके स्टालिन। पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं स्टालिन। इसके बाद स्टालिन के समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े। तो करुणानिधि के निधन के बाद अब पार्टी की कमान, डीएमके की कमान उनके बेटे स्टालिन को मिली है। आपको बता दें कि जीवित रहते हुए ही करुणानिधि ने स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। बस आज इस पर पार्टी की भी मुहर लग गई।